नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में स्वागत कर रहा हूं। आज मैं कहीं पे हूं एक्चुअली में, तो मैं सुबह नहीं आ पा रहा हूं, तो उसके लिए मैं आपको आज एक चीज़ बता दे रहा हूं कि दो चीज़ें हुई हैं डीजीटी के न्यूज़ में। एक तो जो है तो ये एडमिशन की डेट बढ़ गई है। आप देखिए 29 तारीख का एक लेटर है और जिसमें उन्होंने डेट बढ़ा दिया है एडमिशन के लिए, और ये 10 तारीख कर दिए हैं, ठीक है, 10-10 तक, मतलब अक्टूबर तक। और इसको जो है तो इसके बाद जो है तो स्टेट का उन्होंने बोला कि है कि डेट एकेडमिक सेशन जो है तो 25 माना जाएगा, और इसके बाद जो है तो उन्होंने एंड ऑफ एकेडमिक माना है कि 28, मतलब जुलाई और अगस्त में आप लोगों के परीक्षाएं हो जाएंगी जो ये लड़के हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको बोलूं कि इसके लिए जो थैंक यू बोला जाए तो वो एसोसिएशन के जो हैं तो अध्यक्ष थे उन लोगों को माना जाए कि जो बहुत काम किए हैं। लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली जा कर के वहाँ पर मिले हुए हैं और कई लोगों से मिल कर के इन्होंने अपनी बात को रखा था और डीजीटी को मनाया था कई चीज़ों को लेकर के। हालांकि उसमें कई चीज़ें इनकी मान ली गई हैं और कई चीज़ें नहीं मानी गई हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जो है तो उपलब्धि है कि एसोसिएशन के जो टीम गई हुई थी वहाँ पे ऑल इंडिया एसोसिएशन के, तो बड़े अच्छे लोग हैं। और मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि यहाँ पर जब पढ़े लिखे लोग जाते हैं तो काम दूसरा कुछ होता है, और माने सब पढ़े लिखे हैं लेकिन अपना अपना एक वो है। अब जैसे इसमें जो है तो नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर उमेश मिश्रा जी गए थे उत्तर प्रदेश से, और इंजीनियर देवाशीष आचार्य उड़ीसा के थे, ये चेयरमैन हैं, और इंजीनियर कुमार देव रंजन जी गए थे झारखंड से, थे वाइस चेयरमैन हैं। इसके बाद डॉक्टर दीपक जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये गए हुए थे, और हर्षराज जी गए थे जो मध्य प्रदेश से इसके जो है तो टेजदार हैं, माने कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा इनके और साथी गए थे, सभी लोग गए थे और इन सारी चीज़ों को करवा करके ले आए हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि जो हुआ है उसके लिए बधाई के पात्र हैं, ठीक है ना। तो इसमें हो गया है, और इसमें जो है तो एक चीज़ बोला गया है कि माने डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को प्राइवेट आईटीआई को लेकर के कि आपकी पेंडेंसी नहीं है, जो पहले था आप लोगों ने देखा होगा कि 10-10 के पहले कि अब किसी भी हालत में नहीं है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। आप लोगों को अच्छे से देख लीजिएगा इस लेटर को। और अब चलते हैं हम दूसरी तरफ जो बड़ी न्यूज है वो है 24 नंबर के लेकर के। तो 24 नंबर को लेकर के मैं सच बता दूं कि ये मैं बहुत कोशिश किया था इसमें और बहुत लड़ाई लड़ी थी मैं इसमें, मैं था इन्वॉल्व था, सेक्रेटरी साहब इन्वॉल्व थे और डीजीटी वाले इन्वॉल्व थे। उस समय पर जो है तो डीजी जो थे वो अतुल कुमार तिवारी हैं, जो पहले जो है तो क्या थे डीजी थे, अभी वो सेक्रेटरी हो गए। तो कोरोना के चक्कर में ये बोला गया था, यहाँ आप देखिए कि वन टाइम रिलैक्सेशन, ये एक बार के लिए था कोरोना के चक्कर में, और उसमें था 19 से 21 वाले लड़कों को जो 2 साल वाले बच्चे थे, 2 टेट के थे, 1 ईयर 6 मंथ के लिए सेशन सिर्फ 20-21 वालों को लिए दिया गया था। उसमें यह शेड्यूल था और ये चीज़ें थी कि अगर कोई लड़का 24 से लेकर के 32 तक पाया है तो उसको 33 नंबर मान करके पास कर दिया जाएगा। ऐसे ही 12 से 16 नंबर अगर बरसा कैलकुलेशन में पाता है वो, तो और एम्प्लॉयमेंट स्किल में पाता है तो उसको 17 नंबर माना जाएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये जय प्रकाशन दीचे थे और ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, और उसमें बोला गया था कि ये लास्ट है, इसके बार नहीं दिया जाएगा, कभी भी नहीं दिया जाएगा। अब इस चीज़ को लेकर के इतना हल्ला मचाया गया, भगवान जाने कि क्या बताऊँ। मेरे को तो कभी कभी बड़े दुख होता है कि कोई बिना जांच किए बिना पड़ताल किए बच्चों को गलत फहमी फैला दिया जाती है कि अरे आपको मिलेगा आपको मिलेगा आपको मिलेगा। ये मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, अगर आप उस समय का 22 का ये लेटर देखेंगे, आप हमारा ये मार्च का न्यूज़ उठा लें, देख लें, समझ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय पर मेरा नया चैनल आया हुआ था, नवंबर दिसंबर 21 में बन गया था, तो हम कितनी लड़ाई लड़े थे और गए भी थे हम। अब उसको कहानी, अब उसकी क्रेडिट पे बात नहीं जाते, लेकिन आप लोगों को बताता हूँ कि ये आप देख लीजिए भाई साहब, ये आपको लास्ट मिला था, इसके पहले भी मिला था। मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं बोलूँगा ना
तो वो नहीं बोल सकता हूँ मैं कि क्या मिला था और कैसे हुआ था, चूँकि ईडी प्रैक्टिकल में ईडी में दिलवाया था मैंने पहली बार नियम कानून तोड़ करके, और उनको मैंने समझाया था तब ईडी में भी मिला था कि चूँकि थ्योरी में मिला है और ईडी प्रैक्टिकल में नहीं मिल रहा था, मतलब मैंने ईडी में नहीं मिल रहा था तो ईडी में मिला हुआ था नंबर और लड़के पास हुए थे। इसके पीछे मेहनत की जाती है ना, बाकी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कहीं बाहर हूँ, मैं आज स्टूडियो में नहीं हूँ, फिर भी न्यूज बना करके आपको दे रहा हूँ। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। तो ये नंबर नहीं मिलने वाला है, और फिर आएंगे तो कल फिर नए मुद्दे पर बात करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।